हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस साल 16 फरवरी यानी आज बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन विद्या और कला की देवी सरस्वती जी की पूजा का विधान है। बसंत पंचमी से बसंत उत्सव की शुरुआत हो जाती है और ये होली तक चलता है। इस दिन विशेष तौर पर कोई नई विद्या आरंभ करना, कोई नया काम शुरू करना, बच्चों का मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश या अन्य कोई शुभ काम करना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीला भोग लगाने के साथ पीले फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग माता सरस्वती का प्रिय रंग है। ऐसे में इस दिन काले या लाल रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। बसंत पंचमी के साथ बसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है। इसके साथ ही पेड़ पौधों में नए कोपले लगने लगती हैं। लेकिन बसंत ऋतु में पेड़ पौधे कटने से बचना चाहिए। वहीं इस खास दिन पर बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा से भी कोसों दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही संभव हो सके तो माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत रखना चाहिए। वहीं बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलल्ला के लिए खास पोशाक तैयार की गई है। रामलल्ला के लिए खादी के वस्त्र बनाए गए हैं। राज्य के खादी इंडिया और विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड ने इस पोशाक को मिलकर तैयार किया है। फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने इसे सीएम योगी को सौंपा है। मनीष त्रिपाठी के द्वारा डिजाइन की गई रामलल्ला की पोशाक बेहद ही सुंदर लग रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने बसंत पंचमी के पर्व पर प्रदेशवासियों और माघ मेले में आए श्रद्धालुओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। न्यूज डेस्क।